बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आई एम टीचिंग साइंस ऑफ क्लास वन, लेसन नंबर 12, रिवीजन, यूनिट नंबर 2, द एनिमल वर्ल्ड। टॉपिक एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर। पेज 12, 13, 14 एंड 15। Students' learning outcomes. After reading this lesson, children should be able to know about land animals and water animals. They also know that which animals live on land and which animals live in water. Animals' shapes and sizes and how they live in water. Students, there are many different types of animals in the world. They have different shapes, colors and sizes. Animals on land. Humans and many other animals live on land. Tigers live on land. Dogs live on land. Horses live on land. Students, जैसा कि टॉपिक से आप कुछ कुछ समझ चुके होंगे कि हम जानवरों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे, उनमें ज़मीन पर रहने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर शामिल हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसान और बहुत से दूसरे जानवर जो हैं वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जिनमें आपको मालूम है डॉग, काउ, गोट, कैट, रैबिट, हेंस, ये तमाम वो एनिमल्स हैं। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस वगैरह हैं, ये तमाम ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, और इन तमाम की शेप्स और साइजेस, कलर्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। लैंड एनिमल्स बॉडीज। लैंड एनिमल्स हैव बॉडीज दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव लेग्स टू हेल्प देम मूव ऑन लैंड। Most land animals have hair or fur to keep them warm when it gets cold on land. Okay? Snail is the slowest land animal. जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि जमीन पर रहने वाले जानवरों की sizes, shapes और colors बिल्कुल एक दूसरे से different होते हैं, और अल्लाह पाक ने उनको ऐसी बॉडी दी है, ठीक है, जैसे उनकी टांगें वगैरह होती हैं, इसके अलावा उनके जिस्म पर फर या हेयर्स होते हैं, ओके, जो उनको ज़मीन पर सर्वाइव करने में हेल्प आउट करते हैं। बेटा, जो एनिमल्स के मोस्टली फर या उनके हेयर होते हैं, उनके बाल होते हैं, तो वो जब वेदर बहुत कोल्ड हो तो वो उनको वार्म रखते हैं, यानी उनको गर्म रखते हैं, ठीक है, उनकी स्किन को गर्म रखते हैं। इसी तरह जब हॉट वेदर होता है, यानी गर्मियों का सीज़न होता है, तो उस टाइम में उनके हेयर्स ही उनकी स्किन को धूप की तपिश से भी बचाते हैं। इसके बाद स्नेल। स्नेल एक छोटा सा लैंड एनिमल है और ये सबसे स्लोएस्ट लैंड एनिमल है। आपको पता है स्नेल के ऊपर एक हार्ड सा शेल होता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को महफूज रखता है, ठीक है। जब उसको कोई भी ख़तरा महसूस होता है तो वो एकदम से अपना सर उस शेल के अंदर कर लेता है और इस तरह से वो बच जाता है। तो हमने रिवाइज़ किया कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर, उनके कलर्स, शेप्स और साइजेस डिफरेंट होते हैं, इसके साथ साथ उनकी लेग्स होती हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा खुराक की तलाश के लिए भी उनकी लेग्स ही उनको हेल्प करती हैं, ठीक है, और उनके हेयर या फर जो होती है वो उनको मौसमों की तपिश या फिर उनकी गर्माइश से बचाती है, ठीक है, और जब मौसम ठंडा होता है तो वो उनको गर्म भी रखती है, ओके। एनिमल्स इन वाटर। नॉट ऑल एनिमल्स लिव ऑन लैंड
देयर आर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वॉटर. सम वॉटर एनिमल्स, फिश लिव इन वॉटर, ईल्स लिव इन वॉटर एंड ऑक्टोपसेस लिव इन वॉटर. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन वॉटर, यानी पानी के अंदर रहने वाले जानवर. बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि फिश, ईल्स, शार्क, डॉल्फिन, पेंगुइन्स, सील, स्टार फिश, ऑक्टोपसेस, ये तमाम वाटर एनिमल्स हैं. ओके, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट एनिमल्स शो किए गए हैं, फिश, ईल्स, ऑक्टोपसेस, टर्टल एंड क्रैब, सी हॉर्स, जेली फिश, ये तमाम वाटर एनिमल्स हैं. वाटर एनिमल्स बॉडीज, वाटर एनिमल्स हैव बॉडीज दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर. मैनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम. मैनी वाटर एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ अंडर वाटर. ओके बेटा, लैंड एनिमल्स की तरह वाटर एनिमल्स की भी बॉडीज की शेप अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है जो उनको पानी के अंदर रहने में मदद करती है. जैसे आप फिश को देख लें तो फिश के फिन्स और उसकी टेल उसको पानी के अंदर स्विमिंग करने में, तैरने में मदद करती है. इसी तरह उसकी गिल्स उसको सांस लेने के लिए हेल्प आउट करते हैं. Here's a picture of fish, which is indicated with different parts like gill, fins, scales, and tail. Okay? Some water animals can't breathe underwater. They have to put their heads above the water to breathe. Whales and dolphins can't breathe underwater. So, कुछ वाटर एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं व्हेल्स और डॉल्फिन, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती. और जब इनको सांस लेना होता है तो ये पानी की सतह पर आकर अपना हेड यानी अपना सर पानी से बाहर निकालती हैं और सांस लेने के बाद ये दोबारा पानी के अंदर मूव कर जाती हैं. ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर आर फ्रॉग, crocodile and turtle. बेटा here are some animals which live both on land and in water. यानी कुछ ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं frog यानी मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये ऐसे animals हैं जो जमीन पर और पानी के अंदर दोनों जगहों पर रह सकते हैं. ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या चीजें रिवाइज की? सबसे पहले लैंड एनिमल्स, उनके बारे में हमने डिफरेंट चीजों को रिवाइज किया. उसके बाद वाटर एनिमल्स, यानी वाटर एनिमल्स कैसे पानी के अंदर रहते हैं, कैसे कौन से पार्ट्स हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, कौन से उनके बॉडी पार्ट्स हैं जो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. ओके, और कौन से वाटर एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते यानी सांस नहीं ले सकते. इसके बाद हमने उन वाटर एनिमल्स को दोबारा से रिवाइज किया जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 लैंड एनिमल्स. आंसर इज cat, dog, horse, goat and lion. Question number 2, name the part of land animal's body that help them to keep warm. Answer is most land animals have hair or fur to keep them warm. Question number 3, name the slowest land animal. Answer, snail is the slowest
लैंड एनिमल. क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अ फिश टू स्विम एंड टू ब्रीथ. आंसर इज फिन्स हेल्प टू स्विम एंड गिल्स हेल्प टू ब्रीथ. क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम एनी टू वॉटर एनिमल्स दैट कांट ब्रीथ अंडर वॉटर. आंसर इज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कांट ब्रीथ अंडर वॉटर. क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम द एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर. आंसर इज क्रोकोडाइल, टर्टल एंड फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वॉटर. बेटे आई होप कि आज के लेसन को आपने मेरे साथ अच्छे से रिवाइज किया होगा. नाउ योर होम टास्क इज कि आपने इस लेसन को दोबारा से रीड करना है अपनी साइंस की बुक में, और रीडिंग करने के बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, और लर्निंग करने के बाद आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी रफ नोटबुक्स के अंदर राइट करना है. ओके, ताकि आप लोगों की असेसमेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे अंदाज में हो जाए. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेसन को अच्छे से सुने, और फिर क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने के साथ साथ उनको अपनी नोटबुक्स पर राइट भी ज़रूर करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.